खबरियत न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीदेवी के अचानक निधन के मामले को एक नाटकीय मोड़ देते हुए दुबई की सरकार ने सोमवार को कहा कि उनकी मौत होटल के बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से हुई, लेकिन श्रीदेवी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं और यह रहस्य और गहराता जा रहा है। मामले में बोनी कपूर अहम गवाह है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक मौत शनिवार रात 10 बजे हुई, लेकिन बोनी कपूर को श्रीदेवी बाथटब में बेसुध हालत में 5:30 पर मिली थी दुबई के टाइम के मुताबिक। इसके बाद बोनी कपूर ने होटल स्टॉप और दोस्त को मदद के लिए बुलाया। श्रीदेवी की बॉडी को बाथटब से निकाला गया और उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत शनिवार रात 10 बजे हुई, लेकिन पुलिस को श्रीदेवी के निधन की खबर 9 बजे ही दे दी गई थी, यानी कि मौत से एक घंटे पहले ही श्रीदेवी को क्यों मृत घोषित कर दिया गया। खलीज टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस ने बोनी कपूर से सोमवार को किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की थी। मीडिया में बोनी कपूर से पूछताछ की खबर निराधार है। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने इस मामले की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के हिसाब से बोनी कपूर ने सिर्फ रविवार को अपना बयान दर्ज कराया था। 24 फरवरी की रात दुबई से खबर आई कि सोनम कपूर के भाई की शादी अनटेड करने पहुंची। दिलक्ष अदाकारा श्रीदेवी की मौत हो गई है। उनकी अचानक मौत की खबर सुनकर देश स्तब्ध था और हर कोई उनकी मौत की वजह जानना चाहता था। पुलिस की जांच में इस बात पर संदेह व्यक्त किया गया है कि किसी शख्स की मौत बाथटब में हो सकती है। इस तरह की घटनाएं स्विमिंग पूल में संभव है। अक्सर दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में व्यक्ति छटपटाता है और उसके बाथटब से निकलने की पूरी संभावना होती है, जबकि श्रीदेवी के मामले में ऐसा नहीं हुआ।